अस्सलामुअलैकुम, टेस्ट द बेस्ट पे मेरा सलाम कबूल करें। आज मैं बना रही हूँ ओरियो पेस्ट्री। मुझे कमेंट आया था कि आप चॉकलेट पेस्ट्री भी बनाएं, तो मैंने फिर कहा कि चलें बनानी थी। अभी मैंने लेट बनानी थी, लेकिन उनके कहने पे मैं जल्दी बना रही हूँ। ये देखें, मैंने चॉकलेट बिस्किट में से क्रीम सेपरेट कर रही हूँ, और बिस्किट, और ये बिस्किट को मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, ग्राइंड करके इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो पाउडर डाला है, बेकिंग पाउडर, और ये मैं 3 टेबल स्पून जो है वो ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने क्रीम निकाल दिया तो मैं इसलिए मैं शुगर डाल रही हूँ। ये टोटल 1 कप जो है मैंने इसमें मिल्क डालना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह आप मिक्स कीजिएगा, इसकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसमें जो है वो अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। टोटल 1 कप जो है वो मिल्क यूज़ हुआ है। अब इसको मैं कंटेनर में डाल रही हूँ। ये मैंने ग्रीस किया हुआ था, और मैं ओवन में नहीं बना रही, क्योंकि कईयों के पास ओवन नहीं होता, तो मैं हमेशा देशी में बना के उनको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने प्री हीट करके इसमें रख दिया है। 30 से 40 मिनट लगते हैं इसमें बेक होने के लिए। ये देखिए, मुकम्मल तौर पे ये बेक हो गया, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा। लेकिन आप इसको गर्म गर्म जो है वो एकदम से ना काटिएगा कि टूट जाएगा, इसको मुकम्मल ठंडा होने दें। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा जो है ये मिल्क डाल रही हूँ, इससे और सॉफ्ट हो जाएगा और मज़ेदार बनेगा। इतनी मज़ेदार पेस्ट्री बनेगी। ये सेंटर से काट ली है, और यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ मिल्क चॉकलेट, और ये ऊपर से मैंने इसको दूसरा इसका पीस रख दिया है। और ये मैंने खुद बनाई है, ये डार्क चॉकलेट से इसका मटेरियल, और ये बैटर जो है मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी बैटर लगा के ये हो जाए। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट क्रंच लगा दिए हैं, ये ड्राई चॉकलेट क्रंच मैंने साइड्स पे भी लगा दिए हैं और ऊपर भी लगा दिए हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी, और ये देखिए, ये अब बिल्कुल रेडी हैं, बहुत मज़ेदार। और इसके इसी की क्रीम के साथ मैंने ये देखिए ऊपर ये बना के ऊपर चेरी लगाऊंगी, और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए जी, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी पेस्ट्री रेडी है। आप लोग भी बनाइएगा, आपको पसंद आए तो बताइएगा। देखिए, चॉकलेट पेस्ट्री बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी बनी है, सॉफ्ट भी बनी है। बाज़ार से आप लाते हैं तो इतनी महंगी मिलती है, लेकिन घर में आप बनाएं अच्छे तरीके से, बच्चों को बना के दें, बच्चों को चॉकलेट पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। और जिसकी डिमांड पर मैंने पेस्ट्री डाली है, तो वो बहुत खुश हैं। तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़। कल नई रेसिपी लेके सामने आऊँगी। मेरी सारी रेसिपीज़ को देखें आप लोग, बहुत मज़े मज़े की रेसिपी बनाई हुई है मैंने, और बहुत इजी रेसिपी बनाई है जिसको आप इजीली बना सकते हैं घर में। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें मुझे भी, और लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और बताया करें कि आपको कैसी लगी, और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, बेल आइकॉन का भी दबाएं। तो बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।